स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल सिनेमा विद हनी सजय में। तो आल व्यूअर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन साउथ डायरेक्टर के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई हैं। तो फ्रेंड, नंबर 5 पर आते हैं विष्णु वर्धन, जिन्होंने 2021 में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह को डायरेक्ट किया था, जिसकी लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी और निकितिन धीर शामिल थे। यह फिल्म एक वार एक्शन मूवी थी जो एक बायोपिक मूवी विक्रम भद्रा के ऊपर बनाई गई थी। इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया गया था, जिसे आज IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर आते हैं AR मुर्गा दोस, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जिसमें से गजनी, अकीरा और हॉलीडे शामिल है। AR मुर्गा दोस ने बॉलीवुड की पहली फिल्म गजनी किया, जिसमें आमिर खान, आशिन और सुनील ग्रोवर शामिल थे, जिसे साल 2008 में किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक बस्टर मूवी साबित रही। नंबर 3, एटली कुमार, जिन्होंने 2023 में रिलीज फिल्म जवान को डायरेक्ट किया था, जिसकी लीड कास्ट में शाहरुख खान, नयनतारा, सन्या मल्होत्रा, विजय सेतुपति शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही। नंबर 2, संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने बॉलीवुड की 2 मूवी डायरेक्ट किया है, पहली कबीर सिंह, दूसरी एनिमल, जो कि हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुआ है, जिसकी लीड कास्ट में रणवीर कपूर, बॉबी देवर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना शामिल है और यह फिल्म की कमाई अभी भी जारी है। नंबर 1, प्रियदर्शन, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिसमें से आपकी लगभग फेवरेट मूवी हो सकती हैं। फिल्म इनकी हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, माला माल वीकली, चुप चुपके, भूल भुलैया और खट्टा मिठा, ये सारी फिल्में प्रियदर्शन की डायरेक्शन में बनी हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन फिल्मों को नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड, हमने इन 5 डायरेक्टर के बारे में बताया जिन्होंने ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में दी हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।